ये बिल है से की, ये हमें मिली है, ये भी है। ये तो बहुत बहुत ही गहरी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल राजपूत और आप लोग देख रहे हैं देसी व्लॉग। आज के व्लॉग में समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग ज़रा निकले हैं एक जानवर की तलाश में। बेसिकली ये जानवर, इसको हमारी ज़बान में से बोलते हैं और आई थिंक इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन या इस तरह का कुछ बोलते हैं। अगर मैं तलफ़ में गलती हो जाए तो माजरत। तो आपको साथ में वीडियो के साथ इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि वो कौन सा जानवर है। तो इसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। बेसिकली ये हमारा शेरू, इसको ट्रेन भी करना है। बेसिकली ये जो डॉग है, इसका ताल्लुक गुलटेर फैमिली से है। तो गुलटेर बेसिकली ये ओरिजिनल गुलटेर नहीं है, ये क्रॉस ब्रीडिंग है। तो इसको शिकार आता नहीं, इसको सिखाना भी है। और दूसरा जो से है, वो हमारे खेतों में बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, सब्जियों को और कुछ इस तरह की जो है फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसकी तलाश में हम निकले हैं और आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग उसका शिकार भी करके आपको दिखाएंगे। ये बिल है से की, ये हमें मिली है, यहाँ पे भी हो सकती है, हमारा अंदाजा है। उधर भी दिखा दो, उधर है वो, एक उधर भी है भाई, इधर भी है। ये जो दो बिले हमें मिली है, हो सकता है यहाँ पे गिद्दड़ रहता हो और इसी तरह की जगह पे से भी रहती है। और दूसरा ये है कि हमारा जो डॉगी है, ये अभी तक ट्रेन नहीं हुआ, इसको पकड़ना नहीं आता, या इसको अभी ये इसकी ट्रेनिंग में होता है। सूंघेगा, जिस तरह ये लेके आए हैं यहाँ पे सूंघेगा, तब इसको पता चलेगा कि इसकी स्मेल का, और इस तरह वे शिकार करेगा। दूसरा एक दोस्त है हमारा, उसके पास है, उसने शिकारी कुत्ते रखे हुए हैं, उसको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको शिकार करके भी दिखा। करना शुरू हो गया है, इसको हम इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि ये उनके पैरों के निशान सूंघेगा, तो तब इसको जो है आदत पड़ जाएगी, वो सूंघना शुरू हो जाएगा और ये भी शिकारी बन जाएगा। मेरे कुछ दोस्त थे
उनको मैंने कहा था पहले, वो बिजी थे थोड़ा सा। अब क्या पाले जैसे ये हमारे जो हैं ये मुरब्बे या मेरी जबान कहते हैं उसका काम था। ये एक दोस्त मेरा ये लेके आया कुत्ती, तो मेरा दोस्त ये कुत्ता लेके आ गया है। तो हमने प्लान बनाया कि हम शिकार करेंगे मिलके। तो ये पहले एक दोस्त है जो है ना निकाल चुका है ये कुत्ता, उनका चलो ये भी साथ आ जाए तो माहौल बन जाएगा। देखते हैं वो लोग तलाश करते हैं या क्या करते हैं। का बिल बना हुआ है तो वहां पे देखते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स इधर हमको कोई थोड़ा सा है शक के, इधर ये छोटू बता रहे हैं कि हमने देखी है बिल। ये पहले मेरे दोस्त भी आए हुए हैं इधर, ये कुत्ता ये जा रहा है बिल्कुल बिल के पास मेरे ख्याल से। देखते हैं अब शेक ही और किसी चीज की है। हाँ सुमान भाई शेक ही है ये। इधर शेक का कोई कंडा वगैरह नहीं पड़ा पता चल। हाँ पड़ा। तो ये व्यूवर्स देखी, ये हमें बिल मिल चुकी है शेक की। ये आपको शेक का कंडा दिखा रहे थे। ये सी का कंडा है तो यहाँ पे वो सी रहती है। और कोई कंडा नहीं है, एक है और भी। ये आपको बिल का विजिट करा देते हैं, ये साइड पे करें। किधर मेरे ख्याल से यही कर देते हैं। एक दो ये ना ये वो है भी। ये आगे बहुत ही गहरी है, आगे मुझसे जाया भी नहीं जा रहा, तो ये क्लोज है थोड़ी सी। ये इंशाल्लाह हम आपको इसकी निकालने की वीडियो भी दिखाएंगे। ये हमारी उधर सब्जियों में गन्ने वगैरह जो कमाद की फसल है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। ये आपको दिखाएंगे हम निकालने की वीडियो। ये आपको कुत्तों की लड़ाई भी थोड़ी सी दिखा देते हैं। ये शेरू शेरू गुस्से में आ गया। सलमान शेरू बहुत गुस्से में। शेरू कह रहा है कि ना लड़ो। ये तीनों जो डॉग हैं ये तीनों शिकारी नहीं हैं। वो क्या है या इसके पूछो जरा। ये डग है। हाँ जी। ये क्या है, ये कौन सा है? ये डग डग है। ये डग है और ये भी मेरे ख्याल डग ही है। और ये तीनों जो कुत्ते शिकारी नहीं हैं।
तीनों कुत्ते शिकारी नहीं है लेकिन ये जो है रखवाली के उन्होंने रखे हुए हैं, तो ये गिदड़ों और सेब वगैरह का शिकार करते रहते हैं, निकलते रहते हैं उनके पीछे, उनकी बिल वगैरह सूंघ लेते हैं उनकी खुशबू। तो इसको भी मैं सिखा रहा हूँ और बाकी आने वाली वीडियो में हम लोग शिकार करेंगे सेब का, और जो स्पेशली शिकारी कुत्ते हैं वो लेके आएंगे, वो दोस्तों के हैं, और आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे इनकी शिकार करने की। तो आज के व्लॉग में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।